हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। स्टार्ट करते हैं ईवीएस की वीडियो। आज हम करेंगे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन पेपर्स किए थे लास्ट ईयर्स के, हमने 2013 तक के क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर लिए थे, तो आज हमारा काम है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। तो देखते हैं आपके आज, आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ताजमहल का रंग किस गैस के कारण पीला होता जा रहा है। तो वही वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से ताजमहल का रंग पीला हो रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो देखिए इसका आंसर जो रहेगा, आई होप सभी ने सल्फर डाइऑक्साइड ही लगाया होगा, जिसे हम, इसका फॉर्मूला होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये अम्लीय वर्षा करने में सहायक होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसी के कारण ताजमहल का रंग जो है वो पीला होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये जो गैसें हैं ये है ग्रीन हाउस गैसें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, भारत का वन्य जीव संस्थान जो है वो कहाँ पे है? तो वन्य जीव संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद, नागपुर, देहरादून या राजस्थान? तो भाई आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा? तो देखिए ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संस्थान जो है वो कहाँ पे है? देहरादून में है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च या 1 अप्रैल? तो जल्दी से अपना आंसर आप सोच के आप लिखते रहिए, फिर बाद में आप चेक करते रहिएगा कि आपके कितने ऑप्शंस जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा, जो विश्व संरक्षण जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी परावैंगनी किरणें जो हैं वो सबसे अधिक खतरनाक होती हैं? UVA, UVB, UVC और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं उसमें से UVC जो होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ये जो किरणें ये पृथ्वी तल पर पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि इससे पहले इन किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन जो लेयर है जो कि समताप मंडल में मौजूद होते हैं, ये जो ओजोन लेयर है ये UVC जो रेज है इनको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने ही नहीं देती, क्योंकि ये किरणें अगर पृथ्वी तक आएंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेंगी। ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक किरणें होती हैं, इसलिए ओजोन लेयर का सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है 5th, गिर शेर परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? तो भाई गिर शेर परियोजना तो शेरों के संरक्षण के लिए, और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो देखिए इसका आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी ज़्यादा बार पूछ लिया गया है ना कि अब तो रट ही गया होगा। ये जो परियोजना है ये है गुजरात में, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना, और इसमें, इस परियोजना में शेरों को संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मछली, शार्क, ऑक्टोपस या डॉल्फिन? तो आई होप ये सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है वो 4th है, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए नेशनल पार्क से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप नेशनल पार्क को अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज वहाँ से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर असम? तो कहाँ है जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर है असम में। देखिए काजीरंगा असम में है, और ये प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है? यहाँ पे किसको संरक्षण दिया जाता है? एक सींग वाले गैंडे को। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस जीव को संरक्षण दिया जाता है, तो एक सींग वाले गैंडे को, और ये है कहाँ पे? ये है असम में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पास की मुख्य परत है, जो पृथ्वी के सबसे पास परत है, सबसे नज़दीक है, वो कौन सी है? आयन मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पृथ्वी के जो हमारे वायुमंडल की 5 परतें हैं, सबसे पहली परत होती है शोभ मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही इसका आंसर होगा, सबसे पास की परत है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बही मंडल। ठीक है, ये आ जाता है समताप मंडल, फिर आ जाता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल,
और लास्ट में आता है बहिर्मंडल। तो इन पांच लेयर्स को आपको ध्यान रखना, और इस समतापमंडल में ही क्या है, हमारी ओजोन लेयर है, इसको भी ध्यान रखना। और जो मध्य मंडल है, सारी जो क्षोभ मंडल है, इसमें सारी की सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी सबका बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सारी जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। आपको ये चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पौधों की वृद्धि के लिए, पादप का मतलब है पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? दोमट, जलोढ़, काली या फिर लाल मिट्टी? तो आंसर होगा इसका दोमट मिट्टी, जो पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? और ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है इस क्वेश्चन को, और एग्जाम में भी ये 2 से 3 बार पूछा गया है, तो ध्यान आपको रखना है। टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है, और ये शनि ग्रह जो है वो, अगर हम बात करें आकार के नंबर पर, किस नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर जो आता है वो आता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, बुध की बात करें तो बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के, लेकिन सबसे अगर गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, बुध मत लगा के आइएगा कि भाई बुध तो सूर्य के पास है, आप बुध लगा के आ जाएं, तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक तो है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो पृथ्वी के पास भी, अगर पूछा गया कि भाई पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ही लगा के आएंगे आप। ठीक है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, बाकी अगर आपको वीडियो देखनी हो तो आप ग्रह वाली ईवीएस के प्लेलिस्ट में जाके ग्रहों वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी ग्रहों के बारे में बताया गया फुल डिटेल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू पशु और भेड़ किस ग्रीन हाउस गैस के रिसाव के लिए जिम्मेदार हैं? भाई जो घरेलू पशु होते हैं वो कौन से ग्रीन हाउस गैस का रिसाव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या ओजोन? तो आंसर देखिए इसका क्या होगा, मैथीन होगा, क्योंकि जो घरेलू पशु होते हैं वो जब जुगाली करते हैं, यानी जब चरते हैं अपने मुँह से, तो वो मीथेन गैस का रिसाव करते हैं, और मीथेन एक कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? मतलब जल को अवशोषित करने की क्षमता उसमें सबसे ज़्यादा होती है, चिकनी बलो मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर महीन रेत? तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा, चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी पर है? मतलब हीराकुंड जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? महानदी, गंगा, कावेरी या फिर सतलज? तो अपना ऑप्शन आप लगाते रहिए फटाफट से, मैं आपको आंसर बताती जा रही हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होगा, हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायन की बढ़ती एकाग्रता को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी संतुलन, जैविक आवर्धन, ट्रॉपिक स्थिति या फिर जैव अवक्रमण? तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो इसका आंसर जो सही होगा वो सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा, जैविक आवर्धन ही कहते हैं, खाद्य श्रृंखला में जो रसायन बढ़ते जा रहे हैं उसको कहा जाता है जैविक आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, वो पक्षी जो बर्फ पर अंडे देता है, आर्कटिक समुद्री पक्षी, हमिंग बर्ड, अल्बेस्ट्रॉस या पेंगुइन? तो देखिए आप ऑप्शन को कल अपना वो भी कर सकते हैं, बर्फ का अंडा देता है, इसका मतलब वो जो पक्षी है वो बर्फ़ वाले बर्फीले इलाकों में पाया जाएगा और अंडे भी देगा साथ ही साथ में, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। पेंगुइन जो होते हैं वो बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं और ये अंडे देते हैं, और ये ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? और ये बहुत बार पूछा गया है, डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर OP अयंगर या फिर बीरबल साहनी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए ध्यान रखना है आपको, हरित क्रांति के जनक कहा गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट ही हुए जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग है तो प्लेग कैसी बीमारी है? कवक रोग है, जीवाणु रोग है, विषाणुजनित रोग है या फिर खनिज रोग है? तो जो प्लेग है वो जीवाणु रोग है। ओके, मतलब ये जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, और ये प्लेग जो होता है वो चूहों की वजह से होता है, ये भी ध्यान रखने का, किस जीव की वजह से जो प्लेग रोग होता है, तो चूहों की वजह से प्लेग रोग होता है और ये जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, प्याज आलू और अदरक है तो प्याज आलू और अदरक क्या है? तना, जड़, पत्ती या फिर अद्भुत जड़?
तो हमने पूरा वनस्पति जगत के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो प्याज, आलू और अदरक ये सभी के सभी जो है वो भूमिगत तने के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये आपको लगता होगा कि भाई ये तना जो मतलब तना तो भूमि के ऊपर ही होता है, ऐसा नहीं है। भूमिगत तने प्याज, आलू, अदरक भूमि के नीचे बोए जाते हैं और ये भूमिगत तनों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी? पेंटीन और मस्त, लैंडस्टीनर, जेनिंग्स या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो देखिए, मानव में रक्त समूह की जो खोज करी थी वो लैंडस्टीनर ने करी थी। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? पेट यानी स्टमक, जिगर यानी लीवर, आंत यानी इंटेस्टाइन या गुर्दा, किडनी? तो मानव जैविक शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है उसे कहते हैं हम लीवर को। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, हमने पूरे 20 क्वेश्चंस करे हैं आज प्रैक्टिस सेट वन में। तो आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है, आउट ऑफ 20 आपने कितने स्कोर किए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको सभी को बताना है, जो जो वीडियो देख रहे हैं। और जो जो वीडियो नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ आपको वीडियो पूरी देखनी हो, पूरी देखनी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो आपकी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप वीडियो छोड़ भी रहे हो तो क्या पता आपसे कुछ मिस हो जाए, इसलिए वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।